कयास लगाए जा रहे थे कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और जोफ्रा आर्चर इस आईपीएल में नहीं खेलेंगे। मुंबई इंडियंस को आईपीएल से पहले राहत मिली है। बीसीसीआई इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन के लिए तारीख और शेड्यूल का ऐलान कर चुकी है। आईपीएल 2023 के मुकाबले 31 मार्च से खेले जाने हैं। वहीं मुंबई इंडियंस को आईपीएल से पहले एक झटका लगा था क्योंकि स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी चोट के कारण पूरी तरह सीजन से बाहर हो गए। हालांकि एमआई को अब राहत मिली है क्योंकि इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर पूरे सीजन के लिए टीम में उपलब्ध रहेंगे। आपको बता दें कि ईसीबी यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल 2023 के लिए जोफ्रा आर्चर की पूरी तरह उपलब्धता की पुष्टि की है। इसके बाद मुंबई इंडियंस को कुछ राहत मिली है। हालांकि एमआई इससे पहले जसप्रीत बुमराह के बाहर हो जाने से चोट पहुंची थी और साथ ही आर्चर की फिटनेस को लेकर चिंता में थी। बहरहाल जोफ्रा आर्चर अब पूरी तरह से फिट है, लेकिन ईसीबी के हाथों ही उनके कार्यभार की सारी जिम्मेदारी होगी। ईसीबी के एक सूत्र ने क्विकबस को बताया है कि उन्हें आईपीएल में एक अहम भूमिका निभाने में सक्षम होना चाहिए और हमेशा की तरह उनकी फ्रेंचाइजी और ईसीबी उनके कार्यभार का प्रबंधन करेंगे। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस ने जोफ्रा आर्चर को 8 करोड़ रुपए में खरीदा था और वो पिछले सीजन अपनी चोट के कारण टीम के लिए डेब्यू नहीं कर सके। हालांकि वो इस बार आईपीएल 2023 के लिए एमआई के लिए डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। आईपीएल और ईसीबी दोनों सूत्रों ने तेज गेंदबाज आर्चर की आईपीएल 2023 में उपलब्धता की पुष्टि की है। हालांकि जोफ्रा की पिछले चोट के रिकॉर्ड को देखते हुए ईसीबी टूर्नामेंट के दौरान उनके वर्कलोड की निगरानी करेगा, लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं है कि इंग्लैंड बोर्ड उनको वर्कलोड का प्रबंधन कैसे करेगा। हालांकि एमआई ये अच्छी तरह से जानती है कि वो कितने मैच खेल सकते हैं। ईसीबी ने आईपीएल 2023 के लिए जोफ्रा आर्चर की उपलब्धता की पुष्टि की। इंग्लिश पेसर 31 मार्च से शुरू होने वाले पूरे सीजन में खेलेंगे। हालांकि उनके कार्यभार पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की कड़ी नजर रहेगी। चोट के कारण 18 महीने से ज्यादा समय तक गायब रहने के बाद आर्चर हाल ही में पेशेवर क्रिकेट में लौटे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल स्पोर्ट्स बीट इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।